दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत इस समय ठिठुरन वाली ठंड की चपेट में आ गया है। मंगलवार यानी 4 जनवरी की सुबह भी ठंड कोहराम मचा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं दिल्ली में चल रही शीतलहर से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां बढ़ती ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की स्थिति भी जानलेवा हो गई है। दिल्ली में सोमवार की सुबह वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में रही। सफर के आंकड़ों के अनुसार सुबह 6 बजे तक यहां की AQI 369 दर्ज हुई, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा, 5100 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच AQI को खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। बता दें कि कल यानी 3 जनवरी को दिल्ली देश की राजधानी में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 जनवरी को यहां हल्की बारिश से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत ठिठुरन के साथ हुई। मौसम विभाग के अनुसार बीते 2 दिनों में यूपी के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाके कोहरे की चपेट में दिख रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते के आखिर तक तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं बात करें अगर पहाड़ी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर जगहों पर तापमान 0 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में इस पूरे हफ्ते बारिश के साथ साथ कई इलाकों में बर्फबारी होते दिखने की पूरी संभावना है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में मौसम करवट लेते दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य में अधिकतर इलाकों में ठंड से राहत मिलते दिख रही है। वहीं 5 जनवरी से राज्य के कई जिलों में बारिश भी हो सकती है, जिसके चलते तापमान एक बार फिर गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।